पूछना चाहता हूँ कि आदि कवि वाल्मीकि से लेकर महाकवि तुलसीदास ने सेतु बनाने वाले को किस नाम से पुकारा? राम। श्री राम। वाल्मीकि से लेकर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी हर हिंदुस्तानी माँ, हर नानी दादी ने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि राम सेतु को श्री राम ने बनाया था। भारत में श्री राम का होना समझ में आता है, पर क्यों नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के कल्चरल कॉन्शियसनेस में भी श्री राम बसे हैं? क्यों बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म में रामायण है? क्यों गुरु ग्रंथ साहब में श्री राम का नाम बार बार आता है? क्यों? मैं विद्वान एएसजी साहिबा से पूछना चाहूँगा कि वाल्मीकि रामायण में जिन जिन जगहों का वर्णन है, क्या उन्हें भारत और श्रीलंका में खोजा नहीं जा चुका? क्या भारत में ऐसा करीब 500 और श्रीलंका में 50 स्थान नहीं है? माय लॉर्ड, ऐसे किसी भी स्थान पर श्री राम या राम कथा का कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। जिस देश में एक साल में सड़कें गायब हो जाती है, पुल गायब हो जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट से ईंट पत्थर चुरा कर मकान बनवा दिए जाते हैं, वहाँ 7,000 साल पुराना इतिहास ढूंढना बहुत मुश्किल है।